सो फ्रेंड्स, सब आईफोन यूज़र्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि iOS 13.5 का वर्जन आ चुका है दोस्तों, और इसको सब लोगों ने मैक्सिमम अपडेट किया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपडेट है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉब्लम्स थी फ़ोन में वो काफ़ी सॉल्व हो चुकी हैं। सो गाइज़, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं इस अपडेट होने के बाद में दोस्तों, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात देख लीजिए दोस्तों, इसका जो अपडेट है वो 298 MB का है, करीब करीब 300 MB का, और ये मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ अपने आईफोन 6s में। बाकी कितने और आईफोन्स में इसका ज़्यादा भी हो सकता है या बड़ा भी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पहले ना किया हो लोगों ने। इसी के साथ ही साथ इसके जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मेल्स, कैलेंडर, मैप्स, नोट्स, रिमाइंडर, बुक्स, होम, पॉडकास्ट, शॉर्टकट, सो गाइज ये जो जितने भी इसमें मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हैं वो सारे भी अपडेट मांग रहे हैं दोस्तों, उनको भी अपडेट करना है। सो फटाफट से इसको हम अपडेट करते हैं दोस्तों। और गाइज इसको आप लोगों को पता होगा कि ये वाईफाई से ही अपडेट होता है, सो मैं इसकी सिम निकाल के अपने दूसरे फ़ोन में डाल लेता हूँ, और जब इसको मैं अपडेट करता हूँ। सो इसको अपडेट करते हैं और थोड़ा वेट कीजिए, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तब तक बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है iOS 13.5 का अपडेट, या जो है यह अपडेट 300 MB का लगभग है दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम बात करें दोस्तों, पहले आप लोग देख लीजिए कि इसमें जो मेरी मेमोरी है वो 32 GB है, और जो अवेलेबल है वो भी 3.7 करके कुछ है दोस्तों। और आप लोग देख लीजिए इसकी जो वाईफाई, ब्लूटूथ और जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर के इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी हो गई है दोस्तों, सो ये बहुत ही अच्छी बात है। जब आप अपडेट करोगे सो इसमें जो मेन हाइलाइट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसने क्या बताया है इस अपडेट ने। सो फर्स्ट नंबर है दोस्तों, स्पीड्स अप एक्सेस टू द पास कोड फील्ड ऑन डिवाइस विद फेस आईडी व्हेन यू आर वियरिंग अ फेस मास्क। सो फ्रेंड्स, जब आप मास्क पहनते हो उसके बाद ये आप फेस आईडी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सो उसको लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। इसमें जो पास कोड है वो फास्ट हो गया है, और ये चीज़ें मेरे आईफोन 6s में तो नहीं है क्योंकि इसमें फेस आईडी अनलॉक नहीं है। बाकी जो इसके अलावा आईफोन है जिसमें फेस अनलॉक होता है, सो उसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, सो इसमें जो है इंट्रोड्यूस द एक्सपोजर नोटिफिकेशंस API टू सपोर्ट COVID-19। सो COVID-19 को लेकर के इसमें अपडेट है दोस्तों, मेडिकल से लेकर के आप जब हेल्थ में जाओगे सो वहाँ पे एक अच्छा अपडेट है। सो मेरा फ़ोन ये अपडेट हो चुका है दोस्तों, और काफ़ी टाइम लगा है इस फ़ोन को अपडेट होने में। ये देखिए दोस्तों, iOS 13.5 पे अब चल रहा है। वैसे सब लोग कहते हैं कि अपडेट नहीं करना चाहिए, काफ़ी लोग कहते हैं, लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको फ़ोन को अपडेट करते ही रहना चाहिए। इसी के साथ ही साथ मैं अपने ये सारी चीज़ें अपडेट कर लेता हूँ जो भी इसमें सॉफ्टवेयर हैं। और गाइज, इसमें जो है कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग एप्स फ्रॉम पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़। सो गाइज, इसमें जो हेल्थ का सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा हो गया, वो आपको केयरिंग के लिए, स्पेशली COVID-19 को लेकर के। सो आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ पर भी जैसा क्या माहौल है उसी हिसाब से आपको ये नोटिफिकेशन देगा। जैसे कि आरोग्य सेतु है, उसी को लेकर के एक अपडेट है कि अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। सो गाइज, दिस अपडेट ऑल्सो इंट्रोड्यूस एन ऑप्शन टू कंट्रोल ऑटोमेटिक प्रोमिनेशन ऑफ वीडियो। जैसे कि गाइज, इसकी जो कंट्रोल पैनल है वो भी बहुत ही अच्छा हो गया है, और इसका जो फेस टाइम है कॉल्स, ये भी एक अच्छी इसमें अपडेट आया है। इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुआ है फेस कॉल में दोस्तों, जो फेस टाइम कॉल होता है उसमें भी अपडेट आया है, वो भी एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। सो हम मेन ये जो फेस टाइम देख रहे हो दोस्तों, इसका अपडेट है वो काफ़ी अच्छा है, और अच्छे से आप कॉल कर सकते हो, इसके वीडियो कॉलिंग कर सकते हो आईफोन टू आईफोन, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों, इसकी जो बैटरी है वो भी अच्छी है, क्योंकि मेरा इससे पहले फ़ोन काफ़ी हीट करता था, लेकिन जब से मैंने इसको अपडेट किया है सो उतना हीट नहीं कर रहा है, और मेरी बैटरी जो इसका लेवल है वो अब 93% आ गया है, लेकिन अब उतना हीट नहीं कर रहा है। सो आप इसको अपडेट कर सकते हो, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई है।
अब हम मेन बात करें दोस्तों इस अपडेट की, तो वो ये है कि इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ वाईफाई डाटा स्पीड सो उसको लेकर के ये एक ह्यूज अपडेट कह सकते हो कि उसकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही साथ इसमें जो और मेरे सॉफ्टवेयर हैं पर्सनल गेम के हैं लेआउट है सो ये भी सारी चीज़ें जो है वो मैं अपडेट कर लेता हूँ। और आपको भी ये सारे सॉफ्टवेयर जो है अपडेट करते ही रहना चाहिए। सो इसमें जो आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर रखते हो जैसे कि गाइस कैंडी क्रश हो गया आप गेम खेलते हो तो वो सारे जो अपडेट हैं उनको अपडेट कर रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही सब जब हम प्राइवेट ऐप्स नहीं अपडेट करते हैं तो हमें हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम्स और आगे चलकर होने लगती हैं गाइस। सो हम बात करें आगे कि जो है इसकी जो हीटिंग प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुकी है और इसकी जो जो मेल्स फालतू के आते थे वल्गर फालतू के जो मेल्स आते थे उसको लेकर के अपडेट आया है सो वो कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक इग्नोर कर सकता है जो फालतू के मेल्स आते रहते हैं अपने फ़ोन में सो वो अब हट जाएंगे ऑटोमेटिक ये इग्नोरेंस कह सकते हो कि जो है अननोन जो मैसेज आते हैं फालतू के मेल्स आते हैं वो अब नहीं आ सकते हैं। सो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया हो गई है और जो बैटरी टाइम है बैटरी लाइफ कह सकते हो वो भी अच्छा चल रहा है। मेन सॉफ्टवेयर की बात करूँ दोस्तों इसमें जो अच्छी चीज़ें हुई हैं सबसे पहली तो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया है अच्छी हो गई है। उसके बाद जो कोरोना वायरस का अपडेट है वो आया है दोस्तों और आगे चलकर और उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे ये लोग। दूसरी बात है दोस्तों आपकी जो हेल्थ है उसको लेकर के और ये जो फेस टाइम सेटिंग ग्रुप कॉल जो है आप कॉल कर सकते हो ग्रुप में दोस्तों और जो फालतू में जो बैकग्राउंड दिख रहा था ना वो अब नहीं दिखेगा दोस्तों जो फेस टाइम में वीडियो कॉल करते थे। और जब हम सोशल मीडिया का कोई ऐप खोलते थे उसमें जो ब्लैक कलर की जो स्क्रीन दिखती थी वो अब नहीं दिखेगी सो ये भी एक प्लस पॉइंट है अच्छी चीज़ है दोस्तों। सो आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसको यूज़ करने के बाद हफ्ते 10 दिन और जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये अपडेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और तब तक आप वेट कर सकते हो और अदरवाइज़ आप अपडेट भी कर सकते हो। अगर आपने इससे पहले अपडेट नहीं किया होगा सो आपका ये अपडेट है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इसमें एक मेरे आईफोन में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक हो गई है कल से ये इसमें एक सिम कार्ड मेरा नहीं चालू हो रहा है और वही सिम कार्ड मैं दूसरे फ़ोन में लगाता हूँ वो चालू हो रहा है लेकिन इस फ़ोन में जब मैं कोई दूसरी सिम लगाता हूँ सो वो भी चालू हो रही है। सो मेरे उस सिम में प्रॉब्लम है या इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई वो मुझे पता नहीं वो मैं आगे चेक कर लूँगा। सो आपको अपडेट करना है सो आप बेशक कर सकते हो अदरवाइज़ आपको वेट करना है तो वेट कर सकते हो मेरी एक और वीडियो आएगी तो मैं बताऊँगा आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन अभी आप मैं मेरे हिसाब से तो आपको भी अपडेट कर लेना चाहिए। सो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।